एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आर जी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक के परिभाषा, केंद्रीय बैंक का अर्थ, केंद्रीय बैंक का उद्गम और विकास और केंद्रीय बैंक को क्यों स्थापित किया गया ये हमने पढ़ा था। यानी मुख्यतः देशों में अब केंद्रीय बैंक स्थापित है और इंडिया में, भारत में ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित है। अब आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है नोट निर्गमन का एकाधिकार। यानी केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार दिया गया है। सभी देशों में जो नोट निर्गमन का कार्य है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही करता है और ज़्यादातर देशों में मुख्य कार्य जो है वो ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य नोट निर्गमन का ही कार्य है और भारत में भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गमन का कार्य करती है। यानी आजकल विश्व के सभी राष्ट्र में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का प्रचलन है और चलन मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा में परस्पर संबंध होने के कारण सभी देशों में नोट निर्गमन का कार्य देश के केंद्रीय बैंक को ही सौंपा जाता है। कुछ देशों में तो केंद्रीय बैंक की स्थापना का मुख्य कार्य नोट निर्गमन का ही कार्य है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, केंद्रीय बैंक को ही एक अधिकार दिया गया है नोट निर्गमन का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक में एक विशेष निर्गमन विभाग अब न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार 115 करोड़ रुपये की स्वर्ण सिक्के तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए नोटों का निर्गमन करता है। अब इसका अर्थ ये है कि जो भारत में केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट निर्गमन का कार्य करती है और नोट निर्गमन के कार्य का जो अधिकार है वो केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों दिया गया, इसके अनेक लाभ हैं और इसका क्या औचित्य है। इसका ये औचित्य है कि नोटों के प्रचलन में एकरूपता रहती है। जब किसी एक को ही नोट निर्गमन का या कोई कार्य दिया जाता है तो उसमें क्या रहती है, एकरूपता रहती है, नोटों के प्रचलन में एकरूपता रहती है। केंद्रीय बैंक अपने निर्णय को विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित करके राजनीतिक प्रभाव से यथासंभव मुक्त निर्णय लेता है। जनता का विश्वास बना रहता है। मुद्रा प्रणाली में लोच बनी रहती है। लोच बनी रहती है इसका मतलब ये है कि मुद्रा प्रणाली को कम और ज़्यादा किया जा सकता है, नोटों को निर्गमन को कम भी किया जा सकता है और केंद्रीय बैंक की नीतियों के अनुसार जो है वो नोटों को कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। लोचकता का भी गुण होता है। केंद्रीय बैंक अपने निर्णय को स्वयं लेती है और जनता का विश्वास बना रहता है। साख पर बाह्य मूल्य में स्थायित्व रख सकता है। केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थायित्व रख सकता है। देखो बच्चों, एक तो होता है इस आंतरिक मूल्य और दूसरा होता है बाह्य मूल्य। आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में यानी जो अगर 50 रुपये का नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उस वो भी केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही निर्धारित होती है। केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थायित्व रख सकता है। नोट निर्गम से प्राप्त लाभ सार्वजनिक लाभ होता है। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन से सरकार की हिनाद प्रबंधन नीति की कुशलता के संपादन केंद्रीय बैंक ही कर सकता है। जब कभी घाटे का बजट बनता है या ज़्यादातर घाटे का ही बजट बनता है, तो अगर ज़्यादा घाटे का बजट बनता है तो वो भी केंद्रीय बैंक ही उसमें गवर्नमेंट को बताता है कि वो किस तरह से घाटे के बजट को कम कर सकते हैं या अपने हिनाद प्रबंधन को किस तरह से स्थायित्व में ला सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक ही नोट निर्गमन के माध्यम से मूल्य स्थायित्व और इन्फ्लेशन वगैरह को भी काफ़ी स्थायित्व बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक की ही जिम्मेदारी होती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यही कारण है कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में नोट निर्गमन का एक अधिकार देश के केंद्रीय बैंक को ही दिया गया है।
भारत के रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। तो ये हमारा हुआ नोट निर्गमन का एकाधिकार, जो कि केंद्रीय बैंक का बहुत ही प्रमुख और मुख्य कार्य है। दूसरा है सरकारी बैंकर एजेंट और सलाहकार का कार्य, यानी केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर अभिकर्ता और सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं की आय जमा करता है और उनमें से सरकारी खर्चों को चुकाया जाता है। सरकार को संकट के समय ऋण प्रदान करता है, अल्पकालीन ऋणों की भी व्यवस्था करता है या सरकारी धन को एक स्थान से दूसरे स्थान और एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार सरकार और केंद्रीय बैंक में ग्राहक और बैंकर का संबंध होता है। दूसरा इसी में है, सरकारी एजेंट के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है। सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करता है, ब्याज और मूलधन का भुगतान करता है, सरकार की प्रतिभूतियां बेचता है, खरीदने में सहायता करता है, सरकार की ओर से करों का धन जमा करता है और सरकार की ओर से देशी विदेशी मुद्राओं के सौदे करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को उसके जमा धन पर कोई ब्याज नहीं देता और ना उसके द्वारा अर्पित सेवाओं के लिए कोई धन लेता है। तीसरा है, आर्थिक सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था संबंधी नीति निर्धारण में परामर्श देता है। सरकार विदेशी विनिमय दर, सार्वजनिक ऋण, मुद्रा साख एवं राजस्व नीति संबंधी निर्णयों में केंद्रीय बैंक की सलाह लेती है। भारत में रिजर्व बैंक इन तीन कार्यों को सरकार के लिए संपादन करता है। तो केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकर एजेंट और सलाहकार का भी कार्य करता है।